नमस्कार भाई दोस्तों, एक तो है ना वीडियो को पूरे ध्यान से सुनना, विशेष तौर पे जितने भी अपने पंजाब के साथी जुड़ रहे हैं जिन्होंने ये बोला था कि अभी से भाई आम आदमी पार्टी को पहली बार चुना है, इसका 6 महीने का टाइम देखना। मैं ये कह रहा हूँ 6 महीने के बाद आप लोग बोलने लायक भी नहीं बचोगे। सबसे पहला और छोटा सा झटका जो आम आदमी पार्टी ने दिया था, चाहे वो राज्यसभा में 5 सांसद भेजने वाला हो, चाहे भाई आपको फ्री बिजली देने का था वो मना कर दिया, या जो पक्की नौकरी वाला था वो मना कर दिया, उसके बाद 2-3 दिन पहले जो मीटिंग ली है पंजाब में वो कैसे बढ़ाया जाएगा, वह मीटिंग किसने ली है? अरविंद केजरीवाल ने। पंजाब का सीएम कहाँ था? सीएम किसको बना रखा है? इस सूबे के सीएम को तो पता भी नहीं तेरे सूबे में क्या हो रहा है, फिर वो सीएम किस नाम का है? और छोटा सा झटका, अभी FCI खुद बोल रही है कि जो आपकी कणक आई है, गेहूँ आया आपका, वो खरीदने के लायक नहीं है, इसको साइलो में बेच दो। फिर साइलो कैसे खरीद रहे हैं उन गेहूँ को? सोचने वाली बात है, अडानी के साइलो उस गेहूँ को आराम से खरीद रहे हैं। और जो सबसे बड़ा झटका और सबसे बड़ा तोहफा दिया पंजाब को, वो अभी आपको दिखाएंगे। पंजाब के लोग भी, औरतें भी, बच्चे बच्चियाँ सब बैठे हुए हैं धरने पर, और आप मना नहीं कर सकते, ये बात झूठी है, मना भी नहीं कर सकते। उस समय तक आप लोगों ने बस एक आंधी चली, उस आंधी में आप चल दिया लाला के साथ। अब वही लाला आपको ना ऐसे ऐसे इनाम देगा कि आप याद रखोगे, फिर वही गेम शुरू होगा, फिर कह देंगे मुसलमानों के लिए ऐसे बोल दिया। ये गेम करती राजनीति है, आपको अलग अलग राजनीतिक लोग करते हैं। आपको पहले तो एक वीडियो दिखा देते हैं, पहले तो ये बताओ भाई पंजाब वालों, किस लिए धरने पर बैठे हो इतने आदमी, जब एक पुलिस का अधिकारी कह रहा है उनके हाथ में कुछ है ही नहीं, पूरा बताएंगे आपको। पहले आप एक बार आप इसको चेक ही कर लो। पंजाब का वीडियो और कल का ही है, कल का ही वीडियो है। अभी किस लिए बैठे हैं ये लोग आपको ये पता नहीं होगा। पहले पार्टी को जहां लाया था पहले उसको टाइम दिया। आपको डिटेलमेंट बता देते हैं, नहीं तो कुछ भाई क्या होता, कुछ भाइयों को शांति नहीं होती कि किस लिए चल रहा हो सकता है पुराना वीडियो। एक बात और होती है, ये बोल देते कहीं पुराना वीडियो ना हो, वीडियो अभी का है। चलो आपको ये बता देते हैं ये किस चीज का है। ये बलटाना रविंद्र नारायण कलोव में कोई जगह है भाई, वहां पे कोई मस्जिद है जो इलीगल बताई गई, उसको जो ये इनका वक्फ बोर्ड होता है, वक्फ बोर्ड के नाम पर ट्रांसफर कर दिया। ये सरकार बनते ही इन्होंने ट्रांसफर किया है, वह मस्जिद वैलिड होगी, मस्जिद वैलिड होगी, यही पुलिस का अधिकारी बोल रहा है। अब उसको सिर्फ कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो आप, उस मस्जिद को आप हटवा नहीं सकते, कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। ये बलटाना के जो लोग हैं, रविंद्र नारायण कलोव और बलटाना के लोग हैं, उनके लिए आने वाला समय कैसा होने वाला है, कभी सोचा इस बारे में? या तो आप मुसलमानों के साथ लड़ाई करो, फिर वही दंगे वाली बात, और आप सही तरीके से चलोगे तो आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, उस पे तारीख आपको मिलती रहेगी, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये इसका मतलब बिल्कुल साफ है, दुनिया की कोई भी ताकत रविंद्र एनकलोव के प्रवेश द्वार के सामने अवैध तरीके से बनी हुई मस्जिद को कोई कुछ भी नहीं कर सकता भाई, और ना ही उसके अगेंस्ट आप पुलिस में जा सकते हो। तो लिया पहला तोहफा, बड़े वाला तोहफा, जो बलटाना के लोग हैं मैंने सुना है उन्होंने बहुत खुश होकर वोट डाली थी कि हम एक बदलाव चाहते हैं। बदलाव आपको अच्छा मिल रहा है ना, इससे अच्छा बदलाव आप कभी ले भी नहीं सकते। अब इसका तरीका क्या निकले, आपको सवाल का जवाब दिया जाएगा। एक सवाल है सभी साथियों का, अगर यही जो आंदोलन चल रहा था, यह आंदोलन अभी तक चलता, तो क्या फिर भी क्यों साइलो के अंदर जाते? उसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल साइलो में क्यों जाते, क्योंकि जब यह आंदोलन चल रहा था उस समय पर भी ऐसे लोग थे जो ये बोल रहे थे कि ये कानून बहुत अच्छे हैं, रद्द नहीं होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ऐसे लोगों की एक लोबी होती है, लोबी, लोगों को इकट्ठा करना,
इस आंदोलन से सोच रहे थे बहुत से लोग जागरूक हो गए, कोई जागरूक नहीं हुआ। उसकी सबसे बड़ी कमी थी नेताओं का आपस में लड़ना, जो अपने आप को बहुत बड़े किसान नेता बोल रहे थे ना, इनकी आपस की लड़ाई, इनका आपस का अहम जो टकरा गया था कि नहीं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, वो अहम टकराया था इनका। इनमें सबसे बड़ा शाणा वो रह गया जो राजनीति से दूर रह गया, भले ही उसने साइड के दरवाजे से अपना पैसा कमाया हो, लेकिन वो दूर हो गया उस टाइम पर इनकी हालत देख के। लेकिन जनता ने इनको जवाब दिया ठोक के, सबकी जमानत जब्त करवा के। अगर ये लोग राजनीति नहीं करते तो कोई मतलब ही नहीं था आम आदमी पार्टी आने का, बिल्कुल भी नहीं आती। वहाँ पर और भी बहुत से अच्छे लोग थे जिनको हरा के आज पछता रहा है पंजाब, पछता रहा है पंजाब। वहाँ पर वोट मिली लोगों को भगवंत सिंह मान के लिए मिली थी, लेकिन मान साहब आप क्या कर रहे हो अब ये बता दो। आपको जिस चीज़ के लिए लड़ना चाहिए था आप उन चीज़ों को छोड़ के आप कभी हिमाचल में जा रहे हो, कभी गुजरात में जा रहे हो, आपको पंजाब सूबे का सीएम बनाया गया है, पंजाब के लोगों की समस्याएं सुनने के लिए आपको कुर्सी पर बिठाया गया है, उन लोगों की समस्याएं सुनिए और उनका समाधान कीजिए। नहीं तो ना फिर यही दुनिया आवाज़ मारनी शुरू कर देगी कि लोग फिर आतंक फैला रहे हैं, आतंक का नाम देते हैं, आतंकवादी बहुत जल्दी बोलते हैं पंजाब वालों को, जब वो अपने हक के लिए खड़े होंगे ना तो उनको आतंकवादी का लेवल दिया जाएगा, और ये लेवल बिल्कुल तैयार रहता चाहे आप अपने हक की आवाज़ उठाओ या अपने हकों के लिए लड़ो। उसी समय पर जितने बैठे हुए ना बाहर बैठे तो आपका सहयोग कर रहे हैं, या आपको आतंकवादी बोलना शुरू कर देंगे, अब आप लोग कहाँ जाओगे? आपने कानूनी प्रक्रिया के तहत आप जीत नहीं सकते, अपना हक लेने के लिए रोड के ऊपर आना पड़ेगा, रोड पे आओगे यही सरकार फिर आपको लाठियां मारेगी, फिर आपको डंडे मारेगी, फिर आपके ऊपर आंसू गैस के गोले चलाएगी, पानी की बौछार करेगी, आपको जेल में डाला जाएगा और फिर केस लगेंगे, तो ये सीधा रास्ता आपकी बर्बादी की तरफ जाएगा। अब आप भरोसा किस पे करोगे? उन किसान नेताओं को आप फिर दोबारा चंदा दो, फिर दोबारा चंदा दो, उनको फिर बना दो, फिर इलेक्शन लड़ेंगे, फंस गए अभी। उसका एक सीधा सा समाधान है, अपनी टीमें बनाइए, टीम बनाइए अपनी, और उनसे बिल्कुल लिखवा के लीजिए कि आप कभी कोई चुनाव नहीं लड़ोगे, सिर्फ हमारे हकों के लिए लड़ोगे। हकों के लिए लड़ने के लिए आपको एक मजबूत ऐसा सहारा चाहिए, बिना कैप्टन के कोई टीम नहीं चल सकती, ये सबको पता है। कैप्टन जरूर चाहिए किसी भी टीम का, आप टीम बना रहे हो उसका कैप्टन बनाना पड़ेगा, वो आप चुनाव आप कीजिए, आप किसको कैप्टन बनाना चाहते हैं अपनी टीम का, यह आप लोगों ने देख लिया है। आज से नहीं, आप 1947 से देखते आ रहे हो जो हो रहा है पंजाब के साथ। बहुत लोग बोलते हैं किस लिए पंजाब की आवाज़ उठा रहा है, पंजाब वाले बोलोगे आप उनको खालिस्तानी और आतंकवादी बोलते हो, एक मिनट में टैग दे दोगे आप उनको कि ये तो खालिस्तानी और आतंकवादी हैं, या फिर आप बोल दोगे इनका पैसा पाकिस्तान से आ रहा है, ये बोलने में आप बिल्कुल देर नहीं लगाते हो। वो टैग मेरे को मिलते हैं, कोई बात नहीं, मिलने दो, मैं पंजाब में तो नहीं जा रहा, और जाएंगे पंजाब में भी, पंजाब में भी जाएंगे, वहाँ पर लोगों को जागरूक करने का काम भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अपनी टीम बनाएंगे, और टीम बनानी पड़ेगी, अब ज़रूरत महसूस हो चुकी है। एक छोटी सी मांग रखी थी संयुक्त पंजाब, ऐसे नहीं रखी गई थी। अगर जो संयुक्त पंजाब की मांग रखना चाहता है, जो चाहता है कि पंजाब में वापस वही खुशहाली और वही भाईचारा आ जाए, उस भाईचारे को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा फिल्में चला दी हैं, अब पंजाब के लोगों को समझ में नहीं आएगा। वो अपने स्कूल के लिए लड़े हैं, जो जिस स्कूल के अंदर किताबों के अंदर से इतिहास चेंज किया जा रहा है पंजाब का, उसके लिए लड़ें, साइलों के लिए लड़ें, या जब यो मस्जिद लीगल कर दी इसके लिए लड़ें, किस किस के लिए लड़ें? भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट के लिए लड़ोगे? चंडीगढ़ से आपके अधिकार छीन लिए उसके लिए लड़ोगे? लड़ना तो सभी के लिए पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको एक मजबूत टीम बनानी पड़ेगी। मजबूत टीम में बनाइए अपनी, कोई राजनीतिक एजेंडा मत बनाइए, या किसी आप बन जाते वही नेता फिर घूम फिर के आएंगे, हम आपके हकों के लिए लड़ेंगे, कोई आपके हकों के लिए लड़ेगा, वो अपनी जेब के लिए लड़ेंगे, वो अपना पैसा कमाने के लिए आपके लिए लड़ेंगे। क्लियर है ये बात, आपको समझनी पड़ेगी ये बातें। जो आपके लिए लड़ते लड़ते मर गए उनका तो आपको नाम भी नहीं पता है, आपको तब पता लगता है जब वो आदमी मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तब पंजाब के लोगों की आंखें खुलती हैं कि ये हमारे हकों के लिए लड़ रहे थे, और ये सच्चाई है, इससे भागना मत कोई भी पंजाब वाला, सच्चाई है। जो आपके लिए लड़ता है ना वो मर जाता तब आपको अच्छा लगता है ये हमारे लिए लड़ रहा था, क्या सभी फिर मरने का इंतज़ार करें जो आपके लिए लड़ रहे हैं? अब सोचना आप लोगों को है, करना आप लोगों को है, अपनी टीम बनाइए। फ़ोन नंबर दे रहा हूँ, टीम हम भी बना रहे हैं भाई, अपनी टीम बनानी पड़ेगी, अपनी हरियाणा में भी बनाएंगे और पंजाब में भी, हमें संयुक्त पंजाब चाहिए भाई, संयुक्त पंजाब हमारी मांग है। मोबाइल नंबर आराम से बता रहे हैं, ध्यान से सुन लेना,
8883630 918││88││36-30 ये है मोबाइल नंबर। नाम दीपक होजी, नहीं फ़ोन उठा अटेंड कर पाते, कहीं जा रहे होंगे, कोई काम होगा, आप व्हाट्सएप पर मैसेज दे देना, आपके मैसेज का रिप्लाई मिलेगा। टीम में तो बनानी पड़ेंगी भाई, दूसरे के भरोसे बैठोगे तो मुश्किलें आने वाली हैं, और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली है पंजाब की। जिस पंजाब ने बदलाव किया था ना, वो बदलाव अब उल्टा पड़ता जा रहा है पंजाब के लिए, और जल्दी ही आपको नज़र आ जाएगा। 6 महीने तो आप पकड़ भी नहीं पाओगे, 6 महीने बहुत दूर हो जाएंगे आपके लिए। उससे पहले अगर आप कुछ बोलोगे करोगे तो आपको वही खालिस्तानी और आतंकवादी बोला जाएगा। उन चीज़ों से कैसे बचना और लीगल तरीके से अपनी लड़ाई लड़नी है, उसके लिए अब तैयार हो जाओ भाई। खास करके युवा जिनके दिमाग में बिठा दिया गया बहुत बड़ा बदलाव आया है, संभल जाइए। आपकी जो संस्कृति है वो खतरे में है, आपकी पंजाबियत जिसको आप बोलते हैं ना, जैसे हरियाणा वालों की हरियाणवी ख़त्म कर दी गई है ना, हिंदू प्रदेश बना दिया इसको, हिंदी भाषी प्रदेश। हमारी हिंदी तो वो भाई जो किताबों में लिखी हुई नहीं मिलती, वो भाषा है हमारी, हरियाणवी हमारी भाषा, तो हरियाणा प्रदेश है ये, हिंदी प्रदेश नाम बदल दिया। तो ये जो सोच ले कर चल रहे हैं ना, चिंता मत करो, ये आपके बच्चों को इसलिए झंडे उठवा रहे हैं, जो अरब कंट्री है वहाँ पर आपके बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाएगा पढ़ाई के लिए, और एजुकेशन को अपने देश में ख़त्म कर दिया जाएगा। लड़ने के लिए खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ, जो लड़ना चाहता है वो संपर्क करना, जो नहीं लड़ना चाहता है वो अपना दूर ही रहना भाई। वीडियो को शेयर कर देना और ऑफिशियल दीपक फौजी नाम से चैनल इसको सब्सक्राइब कर लेना। अब अपनी टीम में तैयार की जाएंगी भाई, टीम तैयार करेंगे अपनी। वीडियो को ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना भाई। सभी साथियों को राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। लड़ने का समय आ गया है, खड़ा होना पड़ेगा।